अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ जैद मसूद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जैद के व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी भी मैं उठा हूँ सुबह के 10 का टाइम हो चुका है। यहाँ का व्यू देखें दोस्तों, माशाल्लाह से साफ सुथरा बना हुआ है और ये तोते देखें माशाल्लाह से बोल रहे हैं। अभी भी दोस्तों मैंने इनको सेवियाँ खिला दिया, ये सेवियाँ खा रहे हैं और माशाल्लाह से दोस्तों ये देखें बच्चे भी अब मटके से बाहर मुंह निकाला हुआ है इन्होंने छोटे छोटे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, दिलबर को दोस्तों भूख लग रही है, इसको जल्दी जल्दी से रोटी खिला देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर भी टमाटर वगैरह डाल दिया है, इनको भी मैंने टमाटर दे दिया है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये टमाटर खा रहे हैं बड़े ही शौक के साथ। दोस्तों जल्दी से अपने दिलबर को जो ना रोटी खिला लूँ। वो दिलबर आ जाओ, हाँ जी दोस्तों दिलबर ने रोटी खा ली है, इसका पेट अब भर चुका है। हाँ जी तो दोस्तों मैंने ना अपने सारे तोतों को और अपने दिलबर को जो ना मैंने रोटी खिला दिया है, इनको बाजरा बिन का चेंज कर दिया है। तो चलते हैं दोस्तों अभी छत पर अपने जो है ना बीमार कबूतरों को और जो है ना सारे कबूतरों को ना बाजरा खिलाता हूँ और रोटी खिलाता हूँ। तो जल्दी जल्दी से फटाफट चलते हैं दोस्तों छत पर और सब कबूतरों को जो है ना रोटी खिला देता हूँ, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी और दोस्तों छोटे छोटे दो बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। मैंने मेरे ख्याल से मैंने आपको बच्चे नहीं दिखाया था, तो चलते हैं दोस्तों और छोटे छोटे बच्चे भी दिखाते हैं आपको। फटाफट चले आ जाए। ये जी दोस्तों बाजरा और ये रोटी, ये ले जाता हूँ दोस्तों छत पर। ये देखें दोस्तों, ये बीमार कबूतर हैं, लकी कबूतर, अंदर वाले कबूतरों को दोस्तों बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो उनको जल्दी से दोस्तों खिला देता हूँ। ये देखें दोस्तों, और ये देखें दोस्तों दो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये देखें, आओ 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 आओ, ये देखें दोस्तों एक बच्चा ये है लकी कबूतर का, तो ये वाला बच्चा दोस्तों छोटा है, इनको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो अब ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके ये भी मैं इनको खिला देता हूँ। इनको ना रोटी खिला दिया है और बाजरा भी खा रहे हैं, तो अभी चलता हूँ दोस्तों बाहर वाले कबूतरों को जो है ना ये रोटी भी खिला देता हूँ और बाजरा भी खिला देता हूँ। लकी कबूतर जो है ना बाजरा खा के फिर अपने बच्चों को जो है रोटी खिलाएँगे, तो थोड़ा सा और भी बाजरा डाल देता हूँ। आराम उसको सब यहाँ से बाजरा खाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अंदर बैठे हैं दो कबूतर, एक वो है दूसरा वो है। दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है कि ना उन बीमार कबूतरों को हलाल करके बाहर फेंक दो या फिर किसी जानवर को खिला दो, बिल्ली हो गया या कुत्ता हो गया, मतलब इन जानवरों को जो है ना ये खिला दो। तो मैं ना ये सोच रहा हूँ दोस्तों इनको हलाल कर दूँ या ना कर दूँ, क्योंकि दोस्तों ये अजियत में बैठे हैं इस टाइम, इनको हलाल करके किसी कुत्ता बिल्ली को जो है ना इनका गोश्त खिला देता हूँ। तो ऐसे में दोस्तों ये ऐसे अजियत में पड़े हैं, बीमार हैं, 2 महीने से मैं इनको खिला पिला रहा हूँ, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, काफ़ी दवाइयाँ भी मैंने मेडिसिन यूज़ किया है। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, कभी भी ठीक नहीं हो रहे, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बीमार हैं। ये देख सकते हो दोस्तों इसकी कैसी हालत हो चुकी है। इन दो कबूतरों को हलाल करके किसी को दे दूंगा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये देख सकते हो मेरा पसीना, वो बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे। बाजरा दोस्तों मैंने यहाँ पर रख दिया है, रोटी के छोटे टुकड़े करके ये भी यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। हाँ जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रोटी के छोटे टुकड़े भी करके डाल दिया है, तो आराम से सब ये जो है ना यहाँ पर बाजरा और रोटी खाते रहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों शदीद गर्मी है, बाय बाय लाफेस, आराम से सब ये खाते रहना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर दें। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, अभी दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।